हम यहाँ पर बना रहे हैं लिट्टी और चोखा। ये देख सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ लिट्टी एंड चोखा, लगभग काम हो गया है। ये देख सकते हैं ये चोखा है, बैंगन है और टमाटर, आलू पाउडर पर सत्तुआ बोलते हैं उसको, सत्तू जो कि हम लिट्टी में डालेंगे, और ये हमारी दाल। तो कुछ इस तरह का प्रिपरेशन हो रहा है। ये देख सकते हैं मास्टर जी जो कि क्या निकाल रहे, मास्टर जी बैंगन का छिलका निकाल रहे हैं। गाइस तो तैयारी हो रही है, थोड़ा चलते हैं बाहर, देख कर आते हैं बाहर का कैसा मौसम है। तो अभी शाम हो रहा है, आज शाम के टाइम हम रात का जो कि हमारा लिट्टी चोखा और ये बन रहा है। तो इधर अंकित भाई ही बैठे हैं, अंकित भाई वो रेडी हो गया प्याज, ठीक है आ जाओ। अंकित भाई है और ये कुछ इस तरह का है आपका भी चिड़िया वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं। ये है चिड़िया, यहाँ जाके बैठेगा। कुछ इस तरह का मौसम है। सो गाइस आधा ज़्यादा तैयारी हो गई है, तो अभी यहाँ पर फिलहाल इधर बेडरूम में यहाँ पर लिट्टी का डो बना रहे हैं। ये हमारे आकाश भाई लिट्टी, ये हमारे मास्टर जी, ये देखो कितना तेज तेज इनका हाथ चल रहा है। ये है लिट्टी चोखा बनाओ तो लोग मर दे। लिट्टी ये है सत्तू, ये है आटा। साथ में वो बहुत चीज है, क्या क्या मास्टर जी बता दो जरा। हरा मिर्च है, लहसुन है, अदरक है, अचार है, ज्वाई है, काला जीरा है, नमक है। ओके ओके ठीक है, यहाँ पे अंकित भाई बुला रहे हैं, थोड़ा उनसे मिल के आते हैं। हाँ अंकित भाई इधर ही है सब, ये देखो अंकित भाई तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर। मास्टर जी अलग से थोड़ा चोखा बना रही थी, राई का तेल डाल के इसी स्टाइल में यूपी के, सब इधर ही है हर फ्रूट। ये देखो भोजपुरी, देखो बोलो आकाश ओलन भाई, मतलब इसका मतलब है जहाज ये साइड है क्या, थोड़ा कैसा हम लोग का पानी जो रहता है ना कम ज्यादा इधर उधर होता है, एक जगह क्रेन है तो उसको मेंटेन करना पड़ता है इसके लिए साइलेंसर। तो गाइस इधर देख सकते हैं आप अंकित भाई सलाद कट कर रहे हैं, सब कुछ हमारा हो चुका है, रेडी हो गया। इधर पे ये लिट्टी, ये दाल एंड चिकन, और ये है हमारा चोखा। ये भरता है सिर्फ यहाँ पर बैंगन का भरता है, और इसके नीचे आलू बैंगन जो फलाना घटाना सब कुछ ये मिक्स है। तो अभी सब हम लेके चलते हैं उधर, उधर काफ़ी वजन है भाई। ये हल्का है, ये वजन है लेकिन लेके जा सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं इसको लेकर यहाँ मैसूर में रखते हैं जहाँ पे सब खाना खाते हैं। ये इधर इसकी जगह है, काफ़ी वजन है। ये हमारा दोपहर का खाना ये इधर पर रख दिए, इधर पे चावल का
अभी बाकी का सामान लेकर आते हैं। हमारे अंकित भाई को सलाद के लिए प्याज लगेगा, ये हमारा प्रोविजन स्टोर है, वीडियो इसके बारे में ही बता बनाएंगे। बट अभी ये इधर पर प्याज रखा हुआ है, तो एक से दो प्याज लेके जाते हैं, बहुत हो जाएगा। प्रोविजन का टूर हम कराएंगे आपको बाद में। तो अभी यहाँ पर ये लो प्याज, ये अंकित भाई, ठीक है, चलो मैं, टाटा बाय बाय। हेलो गाइस, हाय बंदर भाई, ये खा रहा था, बहुत अच्छा लगा। तुम घाटी यूपी में बोलते हैं, घाटी है चिकन लेग पीस। टेस्ट में बहुत अच्छा है, तो अभी मुझे तो मज़ा आया, बाकी सबका देखते हैं। तो अभी खाने का टाइम हो गया, सभी खाना ले रहे, तो अभी हम सब खाना खाने बैठ रहे, तो सबसे पूछेंगे एक एक करके कैसा लग रहा है। तो सर आप बताइए। हमारे बिलाल भाई ने, अंकित भाई एंड बिलाल, अंकित भाई एंड बिलाल भाई ने दाल गोश और लिट्टी चोखा बनाया है। लिट्टी चोखा जो है बिहार का बहुत, बिहार एंड यूपी का बहुत फेमस अटेम्प्ट है, और इतना स्वादिष्ट बनाया है कि हम खा के पूरा ऐसा लगता है कि हम तृप्त हो गए, बहुत खुश हो गए। और दाल गोश का टेस्ट इतना बढ़िया है कि मैं दोबारा ले लिया है। और मैंने ये भी टेस्ट कर लिया है लिट्टी चोखा, इतना बेहतर टेस्ट में फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच मास्टर जी। ए चोका बोका कैसा लगा? बहुत मस्त, एक नंबर। స్పీకింగ్ మన ఓల్డ్ లాంగ్వేజ్ తెలుగు, చాలా బాగా వండుతున్నాడు, ఫస్ట్ టైం నేను తిన్నాను, ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంది, చికెన్ जीप कुक सर, आपसे पूछिए क्या क्या।